करनाल नगर निगम के अंडर आने वाले गांव झिंझाड़ी में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता व पार्षद नवीन कुमार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि झिंझाड़ी गांव से भैनी खुर्द तक सड़क बनाई जाएगी, जो कि इंटरलॉकिंग टाइलों द्वारा बनाई जाएगी। इसकी चौड़ाई 16.5 फुट होगी। इस कार्य पर 62 लाख की लागत आएगी। आज मेयर ने नारियल तोड़कर इसका उद्घाटन किया। यहां आपको बता दें कि इस दौरान झिंझाड़ी ग्राम वासियों की समस्याएं भी मेयर रेणु बाला गुप्ता ने सुनी। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का हल होगा। मेयर रेणु बाला गुप्ता ने बताया कि गांव वालों की बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी कि यह रास्ता बहुत ही खराब है, जिसका निर्माण करवाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए वार्ड के पार्षद नवीन कुमार ने यहाँ पर कार्य का शुभारंभ करने का बीड़ा उठाया, जो आज सिरे चढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नगर निगम की बहुत ही सहायता की गई, जिसके फलस्वरूप वह पूरे शहर को कोरोना मुक्त करने के लिए प्रयासरत हैं। अन्य शहरों के बजाय करनाल में भी कोरोना को कंट्रोल किए जाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि इस महामारी के समय सरकार का सहयोग दे एवं सोशल डिस्टेंस के साथ साथ सरकार द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं उनको अपनाते हुए अपने अपने परिवार को बचाए रखे। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। बताना चाहूँगा, ये हमारे गांव झंझाड़ी की बहुत पुरानी डिमांड थी जो कि पूरी नहीं हो पाई थी, और जो कि जिसका आज शिलान्यास मैडम रेणु बाला गुप्ता जी ने, मेयर मैडम ने कराया है। और ये हमारा रास्ता बड़ा ही मुख्य रास्ता है, ये मार्ग है हमारा, ये झंझाड़ी से लेकर भैनी खुर्द रेलवे स्टेशन तक पहुँचता है जी। और जो कि बिल्कुल कच्चा रूप रखावट है इसकी कंडीशन थी, जो कि अब 16.5 फुट का चौड़ा बनेगा और इंटरलॉकिंग टाइल से बनेगा, तो जो कि अब जल्द से जल्द इस समस्या से गाँव वालों को निजात मिलने वाली है। कितना कुल लागत आएगी इस पर और कितनी अवधि होगी इस पर? 65.5 लाख का टेंडर है इसका, ये तो मतलब कि हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल के अंदर अंदर इसको हम पूरा करके दें जी। धन्यवाद सर। झंझाड़ी गांव में एक रास्ता जो कि मुख्य सड़क है, झंझाड़ी गांव की रेलवे लाइन तक जाती है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। और ये 62 लाख का टेंडर है जो कि इंटरलॉकिंग टाइल के द्वारा बनाया जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी लोगों के सहयोग से इसे बनाया जाएगा जी। अब इस महामारी का प्रकोप हमारे शहर में बढ़ने लगा है, तो लोगों से ये भी निवेदन करती हूँ कि लोग ये काम है, ये सरकार के प्रशासन के काम है। बहुत सारे हमारी सरकार में व्यवस्थाएं भी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरह से हमें सहयोग किया है, पर फिर भी इस समय जब बहुत ज़रूरत है कि हम इस वैश्विक महामारी से अपने आप को और दूसरों को बचाए रखें, काम हो जाएंगे। सभी यहाँ पर उत्साह में दिख रहे हैं जी। और चाव में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि काम आपके जरूर करवाएंगे, आप लोग अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, आप लोग हर तरह से सहयोग करें ताकि इस महामारी से जीता जा सके। आज की परिस्थिति में जिस तरह की शहर में व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ के वार्ड के पार्षद हैं नवीन जी, हमेशा लोगों के बारे में बातें, लोगों की समस्याओं को समाधान भी करवाते हैं, तो सभी को आज इस काम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए फिर से यही निवेदन करना चाहूँगी कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें जी। कुछ मैडम अपनी समस्याएं भी रखे ग्रामवासियों ने उनके यहाँ पर कुछ लोगों को समस्याएं कम्युनिटी सेंटर की भी हैं, कुछ लाइटों की भी हैं, क्योंकि ये पुराने समय में इससे बसा हुआ है और काफ़ी समय से इसमें ऐसा लगता है कि लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक काम होने चाहिए थे, पर अब नवीन ने जिस तरह से इनकी आवाज़ को उठाया तो विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी इनके सारे काम पूरे करवा देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.